हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुधीर सैनी। स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल। आज हम बात करेंगे रोटरी इनकोडर के बारे में। और इस वीडियो में आपको रोटरी इनकोडर कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के बारे में ब्रीफ में बताएंगे और साथ में प्रैक्टिकली वायरिंग करके भी बताएंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारा परिवार 1000 सब्सक्राइबर का हो गया है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकोडर क्या होता है। इनकोडर वो डिवाइस होता है जो मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसे हम फीडबैक डिवाइस के रूप में भी यूज करते हैं, जो बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना मूवमेंट कर चुका है। ये एंगुलर पोजीशन को भी बताता है। रोटरी इनकोडर को सॉफ्ट इनकोडर भी कहते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट टाइप का और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल टाइप का। एब्सोल्यूट टाइप का जो इनकोडर होता है, इस टाइप के इनकोडर का यूज करंट पोजीशन मशीन की एंगुलर पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है कि अभी हमारी मशीन किस पोजीशन पे है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को भी समझ लेते हैं। इनकोडर में एक ग्लास डिस्क होती है जिसमें नंबर ऑफ ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है। ग्लास डिस्क के एक तरफ LED लाइट इमिटिंग डायोड होता है और दूसरी तरफ डिटेक्टर होता है। जब भी ग्लास की डिस्क मूवमेंट करती है तो लाइट इमिटर डायोड की लाइट डिटेक्टर तक मूवमेंट के अकॉर्डिंग पहुंचती है और डिटेक्टर सिग्नल को डिटेक्ट करता है, वो आउटपुट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार एब्सोल्यूट इनकोडर वर्क करता है। एब्सोल्यूट टाइप के इनकोडर की आप डिस्क को भी देख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ जो आउटपुट होते हैं वो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में जनरेट होते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली इसका कनेक्शन करके भी देख लेते हैं कि इसका आउटपुट LEDs इंडिकेटर में किस प्रकार से जलता है। जैसा कि हमने डिस्क के मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ समझ रहे हैं कि जब हम इसकी सॉफ्ट को घुमाते हैं तो इसमें जो LED है नंबर ऑफ ग्लो होती रहती है, ये इंडिविजुअली ऑन ऑफ हो रही हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में हो रही हैं। इससे आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये डिजिटल आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। जब हम इस सॉफ्ट को मूव करते जाते हैं, आउटपुट ग्लो होता जा रहा है, जो 0101 के फॉर्म में होता है। एब्सोल्यूट इनकोडर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर इसमें लाइट इंटरप्ट हो जाए तो हम इसकी करंट पोजीशन को पता लगा सकते हैं। इस प्रकार का इनकोडर का प्रयोग एक्चुअल पोजीशन को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंक्रीमेंटल टाइप के इनकोडर की। इंक्रीमेंटल टाइप का इनकोडर का कंस्ट्रक्शन एब्सोल्यूट इनकोडर की रहता है, लेकिन जो इसमें ग्लास डिस्क यूज होती है उसका कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। इसका प्रयोग काउंटिंग के लिए, स्पीड के लिए और डिस्टेंस के लिए किया जाता है। इस टाइप के इनकोडर में एक तरफ LED होती है और दूसरी तरफ डिटेक्टर होता है और एक ग्लास डिस्क होती है जिसमें नंबर ऑफ विंडोज होती है। विंडोज के मूवमेंट होता है जिससे कि जो डिटेक्टर होता है वो कंटिन्यूस इसको डिटेक्ट करता जाता है और ये काउंटिंग के फॉर्म में होती है। इस प्रकार के इनकोडर में एक डिसएडवांटेज यही है, अगर इसमें सप्लाई ऑफ हो जाती है या ट्रिप हो जाती है, उस कंडीशन में इसमें जो पल्स जो होती है, काउंटिंग होती है, वो जीरो हो जाती है। इसके द्वारा कोई भी पोजीशन अगर स्टोर नहीं की जा सकती है। इस प्रकार इस वीडियो में आपने एब्सोल्यूट इनकोडर और इंक्रीमेंटल इनकोडर को समझा। अब इंक्रीमेंटल इनकोडर को भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीमेंटल टाइप का इनकोडर है। इसमें केवल एक ही वायर यूज़ किया गया है जो आउटपुट में आया है। इसमें वाइट को प्लस में और ब्लैक को माइनस में अटैच करते हैं। 24 वोल्ट सप्लाई का यूज़ करते हैं और जब इसके शाफ्ट को हम घुमाते हैं तो इसकी जो LED है वो ऑन ऑफ हो रही है। इसके हिसाब से इसमें एक ही आउटपुट जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका इंक्रीमेंटल इनकोडर कहलाता है। आज के इस वीडियो में हमने रोटेटरी टाइप के इनकोडर के बारे में जाना, ये कितने प्रकार से होते हैं और इनका वर्किंग कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। और आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप रोटरी इनकोडर के बारे में अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी आपको अगर क्यूरी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।